हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अदितिस किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मूली और हरी मिर्च का झटपट अचार। इस अचार को धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे बनाने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा। इसमें बहुत ही कम सामान यूज़ करते हैं और इसका तरीका बनाने का बहुत ही सिंपल है। और यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए इस मज़ेदार अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपने किचन गार्डन से मूली कुछ निकाल लेंगे। ये मूली लगी हुई मेरे किचन गार्डन में, इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मूली 3 निकाल ली हैं। ये मूली को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मूली को अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने गाजर लिया है। गाजर तो मेरे किचन गार्डन में नहीं थी, बट मैंने ये मार्केट से ले लिया है। 15 से 20 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च में मैंने रेड मिर्च ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि उससे अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। गाजर और मूली हरी मिर्च को एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और गाजर मूली को इस तरीके से छोटे छोटे पीस में मैंने काटा है। इसी तरीके से मैंने मिर्च के 2 पार्ट कर लिए हैं। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं और अचार के लिए मसाला रेडी करते हैं। एक पैन लेंगे, पैन को गैस पे गरम करेंगे। पैन गरम हो जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच इसमें राई डालेंगे। राई को रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे, इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, इसलिए इसे पहले किया है। और अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/2 चम्मच मेथी डालेंगे और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। और 15 से 20 यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है। इन सबको धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इन सारे मसालों का मॉइस्चर निकल जाए बस इतना ही करेंगे। बस गैस फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे और इन मसालों को थोड़े दिन ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले को बहुत फाइन ना पीसें, दरदरा ही पीसें, जिससे अचार बहुत ही अच्छा बनता है। मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैंने दरदरा ही पीसा, बहुत फाइन नहीं पीसा है। अब एक पैन लेंगे, पैन को गरम कर लेंगे। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। ऑयल को गरम होने देंगे, बहुत ज़्यादा ही नहीं गरम करेंगे, ऑयल को मीडियम ही करेंगे। यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले मिर्च डाल देंगे। मिर्च को फ्राई कर लेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई करेंगे मतलब हाफ फ्राई करेंगे, जिससे इसका थोड़ा सा तीखापन पहले ही निकल जाए। ऐसे करने से इसका जो तीखापन होता है वो कम हो जाता थोड़ा सा। अब इसमें हम गाजर मूली डाल देंगे। और गाजर मूली को अच्छे से मिर्च और ऑयल में मिला लेंगे।
गाजर मूली को 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे गाजर मूली को। एक से दो मिनट के बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम हल्दी और नमक डाल देंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और इसको धीमी आंच पे मैं पकाऊंगी इसको 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि ना इसमें बहुत तेज पे नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसमें क्रंच रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हाफ जैसे क्रंच नहीं आता उसी तरीके से रखना है इसको। अब इसमें 2 से 3 मिनट बाद इसमें डाल देंगे जो मसाला मैंने बनाया था, 3 चम्मच डालेंगे इसमें। हम मसाले को अच्छे से मिलाएंगे, मिलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, वो भी धीमी आंच पे ही पकाएंगे इसे, क्योंकि मसाला मेरा पहले से ही रोस्ट हुआ था इसलिए इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही तक पकने देंगे। इस अचार में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि उससे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, वो तीखा नहीं होता है। और मैंने यहाँ पे नमक 1 चम्मच ही डाला था क्योंकि जो मैंने आमचूर पाउडर डाला था उसमें नमक मिला हुआ था, इस अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही पड़ता है इसलिए मैंने आमचूर में था इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला था। आमचूर पाउडर डालने से इसका तीखापन कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने तीखी वाली हरी मिर्च डाली है इसलिए यहाँ पे आमचूर पाउडर, वैसे भी आमचूर पाउडर अचार में पड़ता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और तीखापन भी कम करता है। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देंगे और अब इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो ये मेरा इंस्टेंट गाजर मूली हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, आप इसे तुरंत खा सकते हैं और 2 हफ्तों तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। इस अचार को धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। इस गाजर मूली हरी मिर्च का अचार दाल चावल के साथ, रोटी के साथ आप इंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपके चैनल पे नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। थैंक यू।